हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द राज मल्होत्रा आई एस आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज में हम वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंटली इट वाज इन न्यूज लास्ट ईयर थर्टी ईयर आपके कंप्लीट हुए द डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल सो बड़ा ही एक हिस्टोरिकल ये मोमेंट रहा इट वॉज इन न्यूज और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो वट एग्जैक्टली द बर्ल्ड इन वॉल क्यों डिमोलिश किया गया क्या रीजन्स रहे इसके साथ ही साथ वट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिमोलिश ऑफ दिस वॉल इन सारी चीजों पर हम आज बात करेंगे एक एक करके सो लेट स्टार्ट आ टूडे टॉपिक सो एज यू कैन सी इन द मैप दिस इज द मैप ऑफ अ जर्मनी ये जर्मनी का पूरा मैप आप देख पा रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वेन जर्मनी लॉस्ट इन वॉर और आप बेसिकली देवर टू अलायसेस वेस्टर्न अलाइज एंड द ईस्टर्न अलाइज, ठीक है जिसमें आपके एक तरफ फ्रांस ठीक है अगर मैं ईस्टर्न अलाइज की बात कर रहा हूं सो देव बेसिकली जर्मनी जपान and italy these were the leading nations on the other side if i am talking about western alliance scheme about so usa uk and france these were the leading nations who represent this so in second world war the german front lost or उसका खामियाजा जो था कहीं ना कहीं पूरे जर्मनी को भुगतना पड़ा एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन सभी देशों की जो फोर्सेस थी सेनाएं थी वो जर्मनी में आ चुकी थी एंड फाइनली आफ्टर दैट दे हैव डिवाइडेड द होल जर्मनी इन फोर पार्ट्स ठीक है तो तीन जो आपके पार्ट थे ये आप देख पा रहे हैं ठीक है दिस होल रीजन दिस होल रीजन बेसिकली ये आपका कहलाया वेस्ट जर्मनी ऑन द अदर साइड दिस पार्ट विच वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन वॉज कॉल्ड ईस्ट जर्मनी ठीक है इसे ईस्ट जर्मनी कहा गया क्लियर है सो so, इस तरीके से कुछ डिवीज़न हुआ और कंट्रोल कर लिया गया इन देशों द्वारा पूरे जर्मनी को सो द होल जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन फोर पार्ट नॉट ओनली द जर्मनी बट आल्सो कैपिटल सिटी बर्लिन जो था आपका कैपिटल सिटी आप मैप में देख पा रहे हैं कि चार आपको कलर यहां दिख रहे हैं सो इट शोज कि जो आपका ये रीजन था ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न बर्लिन वो आपके कंट्रोल में रहा यूएसएसआर के और दूसरी तरफ जो आपका वेस्टर्न बर्लिन रीजन था इट वॉज एक्सक्लेव ऑफ एक्सक्लेव था एक इसका वेस्टर्न जर्मनी का इन तीनों पार्क को मिलकर वेस्टर्न जर्मनी बना था क्लियर है सो so, इस तरीके से कुछ नाउ वट एग्जैक्टली द बर्लिन वॉल अब हम जरा बर्लिन वॉल पे आते हैं जर्मनी से सो so, बर्लिन का मैप भी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कुछ था एंड इट वॉज सर्कल्ड जो पूरा वेस्ट जर्मनी है पूरा सर्कल्ड है आप देख पा रहे हैं ठीक है तकरीबन 155 किलोमीटर की फेंसिंग वॉल यहां पे बनाई गई थी सर्कल करने के लिए और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न ईस्ट बर्लिन which was अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ Soviet यूनियन Not डायरेक्ट अंडर द indirect कंट्रोल ऑफ Soviet यूनियन एक गवर्नमेंट उन्होंने यहां बना दी जीडीआर, ठीक है जीडीआर डी यहां पर उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन इसे डिक्लेयर किया गया ऑन द अदर साइड जो आपका वेस्टर्न uh, जर्मन था उसको कहा गया FRG. वेस्ट जर्मनी को कहा गया एफ आर जी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को कहा गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच वॉज है सो इस तरीके से कुछ सेनारियों था उस टाइम पर और ये जो हम बात कर रहे हैं बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई अराउंड 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर की ये दीवार थी स्टार्टेड बिल्डिंग इन नाइनटीन सिक्सटी वन इकासठ में ये आपकी बनाई गई थी वॉल एंड फाइनली डिमोलिश इन एटी नाइन सो व रीजन बिहाइंड कुछ आपका कंडीशन थी या इस तरीके का कुछ आप देख सकते हैं मैप में बर्लिन उस समय फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी वन टू एन तक इस तरीके से कुछ बर्लिन हमें दिखता था ना नेक्स्ट हम बात करेंगे what was sorry why was it built अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि ये दीवार बनाई ही क्यों गई why this wall was built एक सिटी के बीचों बीच जो आपकी कैपिटल सिटी है उसके बीचों बीच एक आप दीवार खड़ी कर दे रहे हैं सो so, क्या कारण है क्या इसका रिजल्ट था इन चीजों पर बात करेंगे सो वेरी फास्ट वन इज जर्मनी लॉस्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी हमने इस पे बात की कि हर जो विनिंग अलायंस नेशन था वांटेड टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस रीजन ज्यादा से ज्यादा जर्मनी से फायदा वो लेना चाहता था और इसीलिए पूरे जर्मनी को चार भागों में आपस में बांट लिया गया और जितना एक्सप्लाइड वो कर सकते थे दे डेड नाउ सबसे बड़ा एक और कारण है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दिस वर्ल ऑल्सो सिंबलाइजेज द डिफरेंस बिटवीन टू आइडियोलॉजीज जो दो आइडियोलॉजीज आपकी यहां डिफरेंट थी पहली आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट दूसरी आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट ठीक है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी सो द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो नेश नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेस्टर्न अलाइंस के नेशन है जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं ऑन द अदर साइड दोज है और क्लोज एसोसिएशन विद सोशलिज्म और द कम्युनिस्ट आइडिया वो आपके कहीं ना कहीं बन गए यूएसएसआर के साथ हो गए या यूएसएसआर के अलाइंस में आ गए सोवियत यूनियन के अलाइंस में आ गए सो so, ये एक एक वॉल नहीं थी इट वाज बेसिकली अ सिंबलिज्म ऑफ डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजीज जो पूरी दुनिया पूरे विश्व जो था दो धड़ों में आ, बंट गया था बाइपोलरिज्म कोल्ड वॉर पीरियड में हम पूरा देखते हैं सो कहीं ना कहीं वॉल उसको भी रिप्रेजेंट कर रही थी इसके लिए एक टर्म भी यूज होता है आयन कर्टल जिसकी भी हम आगे बात करेंगे सो so, नेक्स्ट है इमिग्रेशन प्रॉब्लम फॉर ईस्ट जर्मनी न हुआ क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि जरा मैप में आप देखेंगे कि यू कैन से दैट ये बाउंड्री जब बर्लिन के बीच बना दी गई बट ये जो देश थे दे हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, दे हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टू गिव पॉलिटिकल एंड फ्रीड पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स टू द पीपल ऑफ वेस्ट जर्मनी और वेस्ट बर्लिन तो कहीं ना कहीं यहां पे डिवेलपमेंट या एक फ्री जो एक अप्रोच था या फ्री एक जो माहौल था वो बना रहा ऑन द अदर साइड इन दोबित जी डी आर रीजन और कंट्रोल रीजन बाय सोबित यूनियन दे हैव अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ कि जर्मनी का जितना ज्यादा दोहन किया जा सकता है जितना ज़्यादा जर्मनी के रिसोर्सेस का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उतना किया जाए दे नॉट सोवियत यूनियन हैज नॉट पेड एनी हिट टू द पीपल ऑफ दिस रीजन क्या उनकी पॉलिटिकल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं क्या फ्रीडम की जो लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जो कह लीजिए क्राइसिस यहां पर आए अनएंप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई एजुकेशन हेल्थ सेक्टर एवरी सेक्टर वॉज शैटर्ड एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट अभी अभी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकलकर आ रहे हैं एंड इट्स अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट की आप सपोर्ट करें सो so, एक जो ये जर्मन लोग जो थे वो रिकंस्ट्रक्शन पूरा आपके वेस्ट जर्मनी का हो रहा था डेवलपमेंट की बात हो रही थी हर तरीके से आगे बढ़ रहा था दूसरी तरफ जो आपका ईस्टर्न जर्मन पार्ट था दैट वाज कंप्लीटली जो था अपोज कर रहा था सरकार को और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था सो so ऑब्वियसली एक ही तरह के लोग दोनों तरफ हैं सडनली दीवार खींच दी गई है सो ऑफ कोर्स दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पार्ट एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड नंबर ऑफ द ईस्टर्न जर्मन और ईस्टर्न बर्लिन पीपल स्टार्टेड दूसरी तरफ आना माइग्रेट होना जबरदस्ती विच वॉज नॉट

तो ये जो सारी राइवलरी थी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर राइवलरी वी कैन से दैट बिटवीन आप जानते हैं बायपोलरिज्म वाज देयर ठीक है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में एंड द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट यूएसए अलायंस एंड यूएसएसआर यूएसए अलायंस इट इट नॉट ओनली हैपेंड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बट मेनली जो आपका यूरोप था वो इससे ज्यादा इफेक्ट हुआ जो यूरोपियन देश ज्यादा क्लोज थे यूएसएसआर के तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बीच में बर्लिन वॉल जो थी क्रिएट कर रही थी साथ ही साथ एक सिंबोलिज्म भी था ये कि जो आपके बायपोलर वर्ल्ड है उसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर है सो so, इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं नेक्स्ट है आयन कर्टन मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा फ्रदर नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न अलाइज यूएसए ब्लॉक एंड नाटो ईस्टर्न अलाइज एंड द यह भी एक कारण था कि जो आपके वेस्टर्न अलाइज विद द ब्लॉक ऑफ नाटो जो कि एक मिलिट्री आपका ग्रुप है साथ ही साथ सोवियत यूनियन ने एक वार्सअपैक्ट साइन किया था 1955 में जिसकी वजह से बहुत टेंशन एस्केलेट हुई थी दोनों तरफ से तो कहीं ना कहीं बर्लिन उसका एक सेंटर बन गया था बर्लिन सेंटर एंड बोथ द फ्रंट्स जो एक हीट अप हो रहा था आपका पूरा कोल्ड वॉर इरा उसको उसमें एक कदम कह सकते हैं दे वॉज कंसीडर वन ऑफ द स्टेप इन टर्म्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ बर्लिन वॉल क्लियर है आर सम पॉइंट्स वी कैन से दैट कि ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से बर्लिन वॉल का निर्माण किया गया था नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स तो क्या मेजर इवेंट्स हुई थी इस पूरी बर्लिन uh, वॉल में के uh, के निर्माण में उस पर जरा बात करते हैं सो बिफोर द डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल भी कुछ सिनारियो जो था इस तरीके का बन गया था वो क्या था उस पर जब बात करेंगे द रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन समर्स एंड ऑटमटीन ऑफ नाइन नाइनटीन एटी नाइन में बहुत ज्यादा जो थे प्रोटेस्ट थे प्रोटेस्ट ईस्ट जर्मन की तरफ जर्मनी जर्मनी की तरफ से और बर्लिन में बहुत ज्यादा रिवोल्ट होने लगे थे लोग सड़कों पर आ गए थे एंड स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द दर ओन गवर्नमेंट ट्राई टू फ्लू फ्रॉम द ट्राई टू क्रॉस द वॉल ये लगातार ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्यों वो कर रहे थे पहले भी जरा बात की हमने इस पर ईस्ट जर्मनी के लोग थे दे वर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स दे डिमांडिंग फॉर राइट ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इस तरीके के राइट्स की वो डिमांड लगातार कर रहे थे क्लियर है सो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक फेल ऑफ द गवर्नमेंट जैसा अभी भी हमने बात की थी कि बहुत ही ज्यादा वी कैन से दैट इन हैंड ऑफ यूएसएसआर और यूएसएसआर का जो अप्रोच था टू वर्ड्स जी और द ईस्ट जर्मनी वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ का ड्रेन किया जा सके या किस तरीके से एज अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव से देखें तो इस पूरे रीजन का इस्तेमाल सोवियत यूनियन कर सकता है दे वर नॉट पेइंग एनी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन दे वर नॉट पेइंग ही टू वर्ड्स टू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑफ दिस रीजन सो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था लोग बड़े नाखुश थे रिसेंटमेंट बहुत ज्यादा था विच फाइनली uh, वो फूटा इन टर्म्स ऑफ दिस इवेंट नाउ चेंज इन द पोलिटिकल लीडरशिप ऑफ ईस्ट जर्मनी हालांकि पॉलिटिकल लीडरशिप में भी चेंज कुछ लाए गए नई पार्टी जो थी एस ईडी -E ठीक है एसईडी -E पार्टी जो थी जर्मन ये वर्ड्स में कहा जाता है इसे वैसे इसका मतलब है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इस तरीके से कहा गया तो तकरीबन आपके 1949 से 1989 तक सत्ता में रही थी और क्योंकि इट वाज क्वाइट इन फेमस सो ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को लगा कि सरकार को हटा दिया जाए नए लीडर्स को लाया जाए तो हो सकता है दे कैन गिव सम सममेंट टू द मासेस बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं लोग भरे हुए थे आक्रोश था उनमें और फाइनली डिमोलिश हुआ एक जो मेजर इवेंट हुआ गुंट स्कॉटी अनाउंसमेंट ठीक है फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट जर्मन एक स्टेटमेंट उस समय आई तकरीबन नवंबर 1989 के टाइम पर जिस दिन ये डिमोलिश हुई है वॉल उससे एक दो दिन पहले की मैं, मैं बात कर रहा हूं तो ये ऑफिशियल्स थे गुंट स्वाजी तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये बात कही कि दैट नाउ द जीडीआर डी डिसाइडेड हैज और और द होल जर्मनी ईस्ट एंड वेस्टर्न ये दोनों ही मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि अब ट्रेवल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो की जा सकती है दोनों तरफ से ठीक है और इस तरीके की छूट अब बहुत आ, बड़ी मात्रा में क्योंकि मेन रीजन ऑफ जो लोगों के बीच आक्रोश था वही था कि लोग जा नहीं पाते थे दूसरी तरफ फॉर बेटर लाइफ विच अट्रैक्ट थे क्लियर है और ये मैटर को रिजॉल्व करने के लिए आ, दोनों पक्ष साथ बैठे और फाइनली ये डिसीजन लिया तो मीडिया में जब ये वो बात कर रहे थे उनसे सवाल किया गया कि कि कब से इंप्लीमेंट होगा वेन ये जो आप कह रहे हैं बाद ये कब से इंप्लीमेंट होगा सो ही स्पोक लाइव थे वो और उन्होंने कह दिया कि ये ये आज आज से ही, आज से नहीं, अब से ही, ही नहीं, अब इंप्लीमेंट हो जाएगा थाउजेंड ऑफ पीपल वर लिसन दिस हजारों की संख्या में लोग दोनों तरफ से इसको सुन रहे थे एंड दे स्टार्टेड अक्यूमलेटिंग ये जो आपका ब्रेंडनबर्ग गेट है एक हिस्टोरिकल गेट है बर्लिन वॉल के पास पूरे बर्लिन वॉल के आसपास दोनों तरफ से लोग इकट्ठे होने लगे नाउ ऑफिशियली जो यहां गार्ड थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस उनको ऑर्डर्स इस तरीके से नहीं मिले थे कि इस तरीके का जो है छूट दे दी जाएगी एंड दे ट्राई टू कंट्रोल द मॉब बट इतनी ज्यादा भीड़ थी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हजारों की संख्या में जो लोग थे क्रॉस कर गए दोनों तरफ से बॉर्डर इस वॉल को पिक्चर uh, में देख सकते हैं इस तरीके का कुछ सिनारियो था अपनी खुशी को ये लोग व्यक्त कर रहे थे वर्ल्ड इन के ऊपर चढ़ के ठीक है और इट्स अ हिस्टोरिम हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर द पीपल ऑफ जर्मनी कहीं ना कहीं अब ये हुआ क्यों देखिए ना सरकार का जो डिसीजन जो ये लिया था वो ये था कि जो भी इस तरीके का स्टेप लिया जाएगा वो लीगल होगा विद लीगल परमिशन दैट द पीपल ऑफ बोथ साइड कैन गो एनी पार्ट ऑफ दिस रीजन और बर्लिन जा सकेंगे लेकिन कहीं ना कहीं लोग के बीच में जो एक्साइटमेंट थी उनका यह मतलब नहीं था कि आप सीधे दीवार को तोड़ के या फान के कूद के आप दूसरी तरफ चले जाएं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और पहले ही लोग अपने घरों से औजार लेके मर्स लेके जो भी उनके हाथ लगा दीवार को तोड़ने लग गए इस तरीके से ये मूवमेंट जो था डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल यहां से गिनाइट हुआ शुरू हो गया अब ऐसा भी नहीं था कि सारे लोग दीवार चढ़ के गए हैं कुछ चौक पॉइंट्स भी थे यहाँ पे जहां से लोग आ जा सकते थे ठीक है तो उन चौक प्वाइंट से ही हजारों लोग दोनों तरफ से इस वॉल को क्रॉस किए क्लियर है दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपेंड इवेंट्स जो हुई थी ठीक है, सो so, ये आपके नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनली इन जून 1919 द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट जर्मनी ऑफिशियली स्टार्टेड टू डिमोलिश द बर्लिन वॉल अपनी तरफ से ये क्या था ये थोड़ा और मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा अब कंफ्यूजन आप, आपको ये हो जाएगी कि अगर वो अपनी दीवार को तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से क्या डोंट द वेस्टर्न बर्लिन जो पार्ट है या जर्मन गवर्नमेंट uh, है वो उसको अपोज कर रही है ऐसा कुछ नहीं है वो भी मैं समझाता हूं तो तकरीबन 18 महीने का समय लगा इस पूरी दीवार को तोड़ने के लिए इट टेक एटलीस्ट एटीन मंथ्स टू कंप्लीटली डिमोलिश एक उन्होंने जो स्लैब था उसको नहीं तोड़ा एज अ सिंबोलिज्म कि इस तरीके का फ्रदर फ्यूचर में जो जनरेशन है जर्मनी की वो इस बात को समझ पाए कि इस तरीके का इवेंट हिस्ट्री में उनके लोगों के साथ हुआ था सो अफकोर्स इट वॉज द विक्ट्री ऑफ लिबर्टी एंड ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी जैसे मैंने कहा इट वॉज अ सिंबल ऑफ दोनों तरफ से आप कह सकते हैं किस तरीके से सिंबोलिकल थी चीजें वो भी फर्दर में और डिटेल में आपसे बात करूंगा लेकिन इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी और तो जो इन, एक इंक्रीजिंग Uh, आज हम देखते हैं डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नाउडेज सो उसकी शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं इस तरीके के मूवमेंट से हो रही थी क्लियर है सो इट वाज़ ऑफ़ कोर्स अ विक्ट्री ऑफ राइट टू लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की विच वर ऑल्सो कंसिडर एज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट वी कैन सी थोड़ा सा और बर्लिन वॉल को समझने के लिए दिस इज द बर्लिन वॉल दिखती थी 1983 के टाइम पे आप देख सकते हैं तो जैसा मैंने कहा अभी कि वॉल एक नहीं थी दोनों तरफ से वॉल्स थी दिस इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न साइड कंक्रीट वॉल जो थी एंड दिस इज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड जो वॉल थी क्लियर है आप देख सकते हैं कितना हेविली गार्डेड ये वॉल थी इसके बीचों बीच दिस इज द इलेक्ट्री इलेक्ट्रिक फायर फेंसेस अलार्म्स के साथ जो थी अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो पता चल जाएगा कहां से क्रॉस किया है और बिजली का झटका भी लगेगा डॉग्स व गार्डिंग हियर यू कैन सी द माइंस ठीक है डिचेज सैंड बैग्स वॉच टावर है जहां पर जो आपके फोर्सेस के लोग थे 2400 घंटे निगरानी रख रहे थे कि कोई इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस ना करें बॉर्डर गार्ड्स और पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग इन दिस रीजन, बंकर्स बने हुए हैं ठीक है स्पाइक्स बिछाई गई हैं। क्लियर है सो दीज आर काइंड ऑफ और वी कैन वन ऑफ द हेवीएस्ट गार्डेड बॉर्डर नहीं कहूंगा बॉर्डर ही कह सकते हैं आप लेकिन इस तरीके का सिनारियो उस टाइम पर था सबसे ज्यादा हेवीली गार्डेड ये रीजन कहा जा सकता है सो so, और देखिए कितनी अजीब बात है दोनों तरफ कोई टेररिस्ट नहीं रह रहे, रहे। कितना ज्यादा डरने की बात है ठीक है दोनों तरफ कोई टेररिस्ट लोग नहीं रह रहे हैं बट इसके बावजूद आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हेविली गार्डेड ये रीजन रहा नाउ यू कैन सी दिस टू इमेजेस और ये सिंबलाइज कर रहे हैं ठीक है जो मैंने अभी बात की थी फ्रीडम और इक्वालिटी की तो so, पहला हम देखते हैं वेस्ट बर्लिन वॉल तो ग्राफिटी यू कैन सी पीपल आर पेंटिंग हियर कुछ भी लिख रहे हैं ग्रेफिटी कैन बी सीन एवरीवेयर इन द वॉल व्हिच सिंबलाइज फ्रीडम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द अदर साइड इन द ईस्टर्न वॉल पार्ट ईस्टर्न वॉल की तरफ अगर आप देखें सो so पूरा सुनसान है एक व्यक्ति भी पास नहीं है क्योंकि ही नहीं था दीवार के नजदीक जाना इस तरफ से क्लियर है सो इट शोज टोलीटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप का जो माहौल यहां पे था तो दोनों ही पिक्चर यह सिंबलाइज कर है। रहे हैं द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट दियर क्लियर है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द आयन कर्टेन सो ये आयन कर्टेन क्या था इस पर जरा आते हैं लेट सी फर्स्ट इन द मैप सो इट वाज एन इमेजिनरी बाउंड्री ठीक है ये जो आप देख पा रहे हैं इट वाज जस्ट एन इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन बोथ फ्रंट्स इन यूरोप यूरोप में एक तरीके का इमेजिनरी बाउंड्री थी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप इज यूएसएस आर कट ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्नलाइज ठीक है और दस्टर्न स्पेशली आउटलुक जो था आपका यूएसएसआर का था बट ऑफ़ ऑफकोर्स जो वेस्टर्न आपका फ्रंट था वो भी इस तरीके का कुछ रवैया रखे हुए था कि हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सॉरी जो ईस्टर्न वर्ल्ड है या यूएसएसआर के सपोर्टिव नेशन है या उनके साथ जो nations है, किसी भी तरीके से उनके साथ किसी भी तरीके का कॉपोरेशन हम नहीं रखेंगे क्लियर है so, USSR completely जो था था कट गया हम बात करेंगे आज भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है बट इन दैट टाइम कोई भी कंपैरिजन यूएसएसआर का नहीं था स्पेस टेक्नोलॉजी में

कि जो मिलिट्री अलायंस है इस तरफ के जो देश हैं वो आपस में मिलिट्री अलायंस किस तरीके से कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम किस तरीके से कर रहे हैं एंड द वेस्टर्न भी अपनी इस तरीके के इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करने की बात कर रहे थे एंड नॉट रेडी कि ईस्टर्न अलायंस का कोई देश इसका फायदा ले पाए या वेस्टर्न अलायंस का देश कोई इसका फायदा ले पाए सो so, जो पूरी दुनिया बाइपोलरिज्म की हम बात करते हैं कोल्ड वॉर पीरियड में सो दिस आयन कर्टेल सिंबलाइज द बाइपोलरिज्म इन द कोल्ड वॉर इरा ठीक है और एक चेक पॉइंट है चार्ली चेक पॉइंट चेक पॉइंट चार्ली के नाम से वर्लिन बॉल में वो इसी का सिंबल सिंबल, आ, सिंबल है द आयन कर्टेल का क्लियर है सो so, ये कुछ आप मैप में देख सकते हैं कि आयन कर्टल तो आप देख ही पा रहे हैं द फाउंडिंग नाटो मेंबर जो थे वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे लेट एडेड नाटो मेंबर्स जो है बाद में जो जुड़े साथ में वार्सापैक्ट ये पूरा रेड जो रीजन है ये वार्सापेक्ट रीजन के साथ जो अलाइड नेशन थे सोशलिस्ट नॉन अलाइन्ड जो नेशन थे जिसमें यूगोस्लाविया आता है मिलिट्री जो न्यूट्रल रहे जो किसी भी अलाइंस में यहां सर मैं बात कर रहा हूं यूरोप की ठीक है पूरे यूरोप की हम बात कर रहे हैं मेनली सो दीज आर द क्लियर है या यहां पर बीच में आप देख सकते हैं ये जो हंगरी रीजन था चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाँ जी नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन रीजन ऑफ द डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल क्या कारण थे जिसकी वजह से ये डिमोलिश हुआ था सो वेरी फर्स्ट वन इज द पॉलिसीज ऑफ द यूएसएसआर एस ऐसी कुछ पॉलिसीज यूएसएसआर ने फॉलो की थी कुछ लास्ट uh, अगर हम बात करें जैसा मैंने अभी बात किया दे वर कंट्रोल दे वर नॉट पेइंग देखिए ना सीधी सी बात है पूरा हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ऐसा कोई भी रूलर लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाया जिसने वेलफेयर और सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं दिया ठीक है आप तलवार की नोक पे शासन तो कर सकते हैं बट आप तलवार की नोक पे शासन को जीत सकते हैं बट शासन करना इफ यू वॉन्ट टू रूल यू नीड टू विन द हार्ट ऑफ पीपल इट्स मैंडेटरी ठीक है अकबर डिड दिस अशोका ट्रांसफॉर्म आफ्टर द कलिंगा वॉर है ना तो ये सारी इवेंट्स कहीं ना कहीं तो ये जो आउटलुक था ये वेस्टर्न देशों ने दिखाया था और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी रहे सोवियत यूनियन जो था उसका आउटलुक कुछ ऐसा नहीं रहा और धीरे धीरे अब यूएसएसआर को रिलाइज होने लगी ये बात दे वांटेड टू मेक सर्टेन चेंजेस ठीक है वो क्या चेंजेस थे उन पर भी आते हैं सबसे पहला है ग्लासनोस्ट ग्लासनोस्ट का यहां मतलब है ओपननेस ठीक है ओपननेस तो कि, किस चीज में ओपननेस की हम बात हो रही है दिस होल रीजन जो ये आप सारा रीजन देख रहे हैं मैप में ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर और सोवियत यूनियन मास मीडिया पे भी कंट्रोल था ऐसी कोई खबर नहीं निकल के आती थी विच वर नॉट इन फेवर ऑफ यूएसएसआर जो भी अलाइनेशंस हैं तो अब यूएसएसआर ने एक ओपननेस पॉलिसी को फॉलो करते हुए लिबरलिज्म अप्रोच को अपनाया और फ्रीडम की यहां बात की ढील दी इस पूरे रीजन में क्लियर है लेकिन इसका बड़ा ही दुष्परिणाम निकला क्योंकि जब इस तरीके का लिबरलिज्म अप्रोच आप करते हैं तो आपका जो कंट्रोल था इन देशों पर वो भी जो था वो कमजोर पड़ा और उसका खमियाजा इन टर्म्स ऑफ देखने को अल्टीमेटली मिला डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस्टोरिका इट मीन्स रिकंस्ट्रक्ट करना लिटरली इट मीन रिकंस्ट्रक्ट करना चीजों को सो so, अब रशिया बात कर रहा था खोर्शेब केम इन टू पार इन रशिया एंड ही वॉन्ट टू मेक सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द रीजन कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा देश जो थे वो खुश नहीं थे क्योंकि अब जो उनको एड्स या फायदा उनको मिल रहा था रशिया से उसमें कमी लाने की वो बात कर रहा था रशिया क्लियर है सो so, अब ये जो धीरे धीरे ये देश थे उनका मोह भंग हो रहा था रशिया से और कह लीजिए नाउ यूएसएसआर इज मूविंग अहेड और टूवर्ड्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर nor military involvement in the Eastern Europe. case security matters a lot, a lot. In the Cold War period, why these nations join, join these two uh, more powerful power blocks? Security is one of the, national security is one of the reason. But now, they snatched his hand back and said that now we are much further. मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट है या मिलिट्री सपोर्ट है नहीं करेंगे और ऑफ कोर्स जब ऐसा डिसीजन लिया जाएगा तो ये जो अलाय नेशन है उनका जो ट्रस्ट है यूएसएसआर पे दे रिलाय ओवर यूएसएसआर वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है विच फाइनली अल्टीमेटली लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट जर्मनी आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं जो मेन मुद्दा था वो यही था जो जी के लोग थे और बहुत था लोगों का इस पूरे रीजन में और रिसेंटमेंट पूरे लोगों में भरा हुआ था क्लियर है नेक्स्ट हम बात करेंगे जी डी आर वॉज पॉपर्ड इन देंड ऑफ यूएसएसआर वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट टू इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी वो सिर्फ एक कटपुतली थी यूएसएसआर के हाथ में जैसा यूएसएसआर कहेगा वैसा ही वो करेगी ठीक है और बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी वेलफेयर ऑफ द स्टेट पर कोई ध्यान इस, गव, इस पूरे गवर्नमेंट का रीजन का नहीं था सो दीज वर समीजन जो कारण बने डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल नाउ लेट इस वट दैट उसके बाद क्या चीजें हुई जो कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिंगो इफेक्ट नाउ व्हाट डज़ दिस टर्म मीन डोमिंगो इफेक्ट का यहां बड़ा सिंपल मतलब है इट मींस कि एक जैसे ही बर्लिन वॉल हुआ तो अब जो बहुत से देश थे इस पूरे रीजन में दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट यूएसएसआर इन डिफरेंट फ्रंट्स ठीक है इन डिफरेंट फंड्स दे फंडार्ट और एक एक करके वन बाय वन दे स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम यूएसएसआर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तो एक एक करके जब देश अलग हुए यूएसएसआर से उसे कहा जाता है डोमिंगो इफेक्ट नेक्स्ट होल्स इन द आयन कर्टन ठीक है लेट इस मैप यू कैन सी दिस इन द मैप तो आप देख रहे हैं चेको सलवाकिया ऑस्ट्रिया हंगरी ठीक है अब देज ऑल नेशन समवेयर इन द कंट्रोल ऑफ रशिया बट जैसे ही रशिया कमजोर सेंटर रशिया का कमजोर होने लगा है तो ये देश जो है अब रिवोल्ट करने लगे हैं स्टार्ट जो पहले रिलेशन नहीं रखते थे जर्मनी के साथ अब जर्मनी के साथ या ईस्टर्न अलायंस के साथ दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन डिफरेंट फ्रंट्स ठीक है रिवोल्ट होने लगे हर जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा लोग जो थे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा पूरे इस रीजन में लोगों का जो एक आय कर्टन आप कह सकते हैं बना हुआ था इतने लंबे टाइम से उसमें होल्स डिफरेंट फ्रंट पर हो गए ठीक है इस तरीके से आप कह सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ठीक है सो इन नाइनटीन ठीक है जून 1990 के आसपास की बात है द गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी डिसाइडेड टू द जर्मनी अगेन इट इज नॉट अबाउट द बर्लिन वॉल ठीक है कि सिर्फ बर्लिन वॉल की यहां बात नहीं हो रही हम पूरे जर्मनी को फिर से यूनाइट करेंगे जो दो धड़ों में बटा हुआ है अब देखिए ये मूवमेंट एकदम से कैसे हो गई विद इन एक साल के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया क्योंकि बर्लिन वॉल जो था वो डिमोलिश हुई थी अब लोगों के बीच जो एक <coughs> सियासी पॉलिटिकल जो लाइंस खींच दी गई थी उस पर भारी पड़ गए लोगों के इमोशंस क्लियर है कहीं ना कहीं वी कैन दैट दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो थी वो तब हो पाई क्योंकि बर्लिन ऑफ वॉल जो था वो तोड़ी गई डिमोलिश ऑफ द इवेंट ऑफ द डिमोलिश ऑफ वर्ल्ड बॉल टूक प्लेस नेक्स्ट अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एस एस आर इन नाइनटीन नाइनटी वन सो हे वी कैन से दैट ये कुछ इफेक्ट थे बर्ल इन डिमोलिश ऑफ बर्लिन वर्ल्ड के सो आज के लिए इतना ही एंड वील कम बैक अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक सो थैंक यू वेरी मच